सिटी के छोड़ के अभी जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पानीघाटा, बहुत दिनों से मैं घूमा नहीं तो सोचा थोड़ा सा घूम के आऊँ, तो आज जा रहा हूँ मैं साइकिल लेके। तो हेलो फ्रेंड्स, मुझे पानी पीना था तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे पानी मिला नहीं, तो यहाँ पे टाइम कल है, तो जिस टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचा तब यहाँ से पानी नहीं आ रहा था, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, देखते हो कहीं और पानी मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली पानी लेके आना चाहिए था, लेकिन मैं पानी सोचा यहाँ पे पानी मिलता है तो यहाँ से पानी ले लूँगा, पर आज मिला नहीं मुझे। मैं जा रहा था सामने से तो ये सीन मुझे देखने को मिला, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रुक के वीडियो किया, तो सामने जाके वीडियो करने से थोड़ा सा अच्छा लगता और थोड़ा सा, लेकिन सामने का रास्ता बंद है तो छोड़ो। यहाँ पे एक चीज़ अभी मैंने फॉलो किया, यहाँ पे सामने चलो मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी है तो क्या इसको पिया जा सकता है? सर पानी गिर का से बहुत इतना पानी गिर रहा है। ये तो गिरते ही रहेगा, कुछ कलर कुछ सिस्टम किया होगा, तो छोड़ो इसको चलते हैं आगे, कहीं और से पानी ले लेंगे। ये पानी शायद पिया जा सकता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो चलो चलते हैं। ऐसे जाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत सुंदर जगह है, मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ। मतलब इतना सुंदर जगह है, मतलब कि आगे जाने की इच्छा ही नहीं कर रही, मतलब लग रहा है यहीं पर बैठूँ, यहीं बैठ के आराम से बैठ रहा हूँ और शांति से एकदम सो जाओ यहीं पे। तो लेकिन मुझे जाना है और बहुत दूर, मुझे पता है कि सामने और बहुत से खूबसूरत सीन्स आने वाले हैं, तो उसके लिए चलते हैं। मैं मुझे पानी पीना था तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था, तो सामने वाले कल पे मुझे पानी नहीं मिला तो मैं यहाँ पे आया, तो मुझे पानी मिला लेकिन ये पानी शायद पिया नहीं जा सकता इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। वीडियो शूट करने के लिए कोई है नहीं तो मुझे वीडियो शूट करना पड़ा। अभी मैं तिरहाना टी गार्डन पे हूँ। अभी कुछ ही देर में मैं एक जगह जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं दिखा दूँ कौन सी जगह है। तो जगह है फ्रेंड्स जिसके बाद में कर रहा था, जब देखिए कबड़ी कबड़ी पूरा इधर मैं आया कुछ भूतिया ड्राइंग्स सोचने के लिए कि यहाँ कब्रिस्तान में आके किस तरह की ड्राइंग मेरे मन में आता है। ऐसे कब्रिस्तान में ऐसा वीडियो निकलना सेफ नहीं है, लेकिन अभी दिन का टाइम है उतना डर नहीं लग रहा मुझे। तो ऐसा कम मत कीजिएगा, कब्रिस्तान में कभी जाना नहीं चाहिए और ऐसे वीडियो कभी खींचना नहीं चाहिए, पर मैंने खींच दिया अभी। तो चलिए अभी ज़्यादा देर यहाँ पर रुकूँगा नहीं, साइकिल लेके चलते हैं। एक्चुअली भागते हैं क्योंकि आप लोगों ने ये जगह देखा है, कब्रिस्तान एक तो कब्रिस्तान है ही, उसके ऊपर जो जगह है ना पूरी तरीके से, यहाँ पे एक दो मोटरसाइकिल बाइक्स कार आ जा रहा है, लेकिन वो भी कभी कभी आ रहा है, कभी कभी 2 मिनट में एक दो आ रहा है, कभी 10 मिनट भी हो जाता है कि कार बाइक देखने को मिलता नहीं है। रास्ता पर सुनसान है, दोनों तरफ यहाँ पे टी गार्डन्स हैं और यहाँ पे लोग भी दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी पानीघाटा से 2-3 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ पे 2 रास्ता है, एक रास्ता तो सीधा आप लोग देख पा रहे एकदम सीधा ये नक्सलबाड़ी बेलगाछ की तरफ चला जाएगा, उधर भी अच्छे अच्छे सीन्स मिलता है देखने को, और ये रास्ता जो मेरे दाएं तरफ है ये पानीघाटा तरफ जाएगा, तो इस रास्ते से मैं अभी पानीघाटा जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। अगर आप लोगों को बीच रास्ते में कुछ खाना पीना कुछ करना है तो आप लोग रास्ते के दोनों तरफ दुकान है यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, और इससे आगे आप लोगों को कोई दुकान नहीं मिलेगा नहीं, एकदम पानीघाटा पहुँचने के बाद ही आप लोग को दुकान मिलेगा। सोच रहा था मेरे पीछे जो रास्ता है तो वहाँ पे जाऊँ या नहीं ना जाऊँ, पानीघाटा तो मैं बहुत बढ़ गया लेकिन इस रास्ते पर गया नहीं, तो सोचते एक बार जाके देखूँ कैसा लगता है,
क्या है यहाँ पे उसको देखने के लिए मैं जाऊँगा। ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन मुझे जाना है, मुझे देखना है क्या है। और सेफ रोड से चलोगे तो आप सेफ रहोगे, लेकिन ऐसी जगह पे आप सेफ नहीं रह सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे टी गार्डन है, यहाँ पे है तो टी गार्डन में सुना हाथी तो यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन बहुत टाइम यहाँ पे चीता बाघ ऐसा कुछ चला आता है कभी कभी। तो सेफ रास्ता तो है नहीं, लेकिन मुझे जाना है, देखना है कि सामने कैसा है। और यहाँ पे दूर दूर कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए चलता हूँ। मुझे ऐसी जगह पे चलना हमेशा अच्छा लगता है जहाँ पे लोग नहीं जाते, वो जगह मैंने कभी देखा नहीं, ऐसी जगह मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं किसी के साथ आता हूँ तो वो लोग ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहता है। जगह आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा, यहाँ से व्यूज आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है देन, और यहाँ पे इसको बोलते हैं छुई मुई पेड़, दिखा दो आपको। इसको छूने से है ना, जैसे मैं इसको छूता हूँ, अभी मेरे हाथ कांपे हैं। अच्छा मैं इसको छूता हूँ, देखिए मैं इसको छुआ तो ये सब ऐसा हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। और कहाँ पे है देखिए, इसको पूरा मैं बंद कर देता हूँ। ये सामने का है, देखिए पूरा बंद हो गया ना, तो बहुत अच्छा सुंदर सीन से यहाँ पे। कि मुझे अपना वीडियो खुद शूट करना पड़ेगा, आज मेरे साथ कोई है नहीं। तिहाना का जो मार्केट था, तो मार्केट से मैंने ये माज़ा ले लिया। मेरे पास पानी का बोतल तो था नहीं, और वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को देखा था तो पानी मुझे मिला नहीं, तो कुछ पानी तो पीना है था, तो मैंने सोचा पानी का बोतल नहीं खरीद के सीधा माज़ा ही खरीद लूँ, तो इससे थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा और जो पानी का काम भी चल जाएगा मेरा। और मैं तिहाना मार्केट से इसलिए लिया, मैं पानी घाट से भी ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा बीच रास्ते में कहीं पर इसको खा के थोड़ा सा एनर्जी भी ले लूँगा और आगे जाने के लिए, और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। थोड़ा सा टहल के आते हैं, इसके बाद यहाँ से भागते हैं और क्या। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको पार्ट वन कर दिया जाए और नेक्स्ट वीडियो जो आगे आने वाले सीन्स है उसको पार्ट टू कर दिया जाए, तो इस तरह से वीडियो थोड़ा सा मेरा शॉर्ट हो जाएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पे कट करता हूँ, और आगे का वीडियो पार्ट टू में मिलेगा, और आगे बहुत अच्छा अच्छा सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे मुझे पता है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स पार्ट टू में कौन कौन आने वाला है?